अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ जनरल साइंस में जो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट में, हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है और ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आती है। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। पहले हमें पता चला है, जो हमने सीखा, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और बेसिस को है जो रेड लिटमस ब्लू बना देता है। बेसिस रेड लिटमस को जो ब्लू कर देती है, रेड को ब्लू कर देती है, जो एसिड है वो ब्लू को रेड कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज़ मिक्स्ड विद अ बेस। अब हम देखेंगे जब कभी एसिड मिक्स होगा बेस के साथ तो क्या होगा। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनॉल फिथिलीन। अब हम क्या करेंगे, हम एक इंडिकेटर, आपको पता है इंडिकेटर मैंने आपको बोला जो अपना कलर चेंज करता है जब वो एसिड के साथ मिक्स होगा या बेस के साथ मिक्स होता है तो वो अपना कलर चेंज करते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। अच्छा, आज हम देखेंगे और इसमें हम आज एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं फिनॉल फिथिलीन। एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई द टीचर इन द क्लास। ये क्लास में हमें करनी है ये एक्टिविटी। पहले क्या कहता है, फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले आपको ये टेस्ट ट्यूब, जैसे फिगर 5.4 आप देख रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब, इन्हें हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1/4 साइज तक, जैसे इसने लिया हुआ है वैसे लेना है। नोट डाउन इट्स कलर, इसका कलर आप याद रखिए, लिखे भी रख सकते हैं। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉल फिथिलीन सोल्यूशन ऑल्सो। फिनॉल फिथिलीन सोल्यूशन जो हम इसमें डालेंगे उसका कलर भी आप लिख के रखना था कि आपको याद रहे ये कौन सा कलर था। पहले ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। पहले जो कहता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया उसमें 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर की डाल दीजिए, इंडिकेटर जो हमने फिनॉल फिथिलीन लिया था उसमें वो डाल दीजिए। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब जो टेस्ट ट्यूब उसको आराम से शेक करिए, हिलाइए थोड़ा। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। आपको स्टार्टिंग में आप देखना कि क्या कोई चेंज आई कलर में, कि नहीं आई। ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब जो एसिडिक सोल्यूशन है उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एक ड्रॉपर से थोड़ा, जैसे वो दिखा रहा है, वो डाल दीजिए बेस। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सिटेट द ट्यूब जेंटली। उसके बाद थोड़ा उसको हिलाते रहिए। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कोई चेंज आई कलर में। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अब उसको कंटिन्यू स्टेयर करते रहे, हिलाते रहे जब तक वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर क्या कहते हैं, एक और ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दीजिए, फिर आप देखिए क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या लगा आपको, कौन सा कलर हुआ। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। क्या कहते हैं कि जब आप जैसे ही आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिर से डालोगे तो वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। अगेन एड 1 drop ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इज देयर एनी चेंज इन कलर, कहते हैं फिर आप उसमें और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एक ड्रॉप डाल दीजिए, फिर आप देखिए इसमें कलर में क्या चेंज हुई होगी कि नहीं। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, इसमें क्या होगा, द सोल्यूशन है फिर से पिंक कलर हो जाएगा। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनॉल फिथिलीन गिव्स अ पिंक कलर। अभी हमें पता चल गया जब भी सोल्यूशन बेसिक होगा फिनॉल फिथिलीन क्या होगा, वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेंस कलरलेस। ये भी आपको याद रखना है, जब सोल्यूशन एसिडिक होगा तो वो फिनॉल फिथिलीन में कलरलेस हो जाएगा। ये आप देखिए प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिर मैं आपको बताता हूँ। व्हेन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सोल्यूशन बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब हम देख रहे थे, मैंने आपको पहले बोला था, हम देखेंगे जब एसिड बेस के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा। फिर ये कहते हैं कि जब भी कभी एसिडिक सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन के साथ, बोथ सोल्यूशन न्यूट्रलाइज, वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों इफेक्ट ऑफ, दोनों आपस में जो उनका इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। व्हेन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। इनका जो अपना नेचर होता है, एसिडिक नेचर, एसिड जब मिलाएंगे तो एसिड का नेचर और बेस का बेसिक नेचर, दोनों जब मिलाएंगे आपस में तो वो न्यूट्रलाइज होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो रिजल्ट आएगा वो ना एसिड होगा ना बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीजिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जब आप न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो उसको टच करिए टेस्ट ट्यूब को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और यू आर। जब आप उसको टच करेंगे तो
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट ऑलवेज प्रोड्यूस होती है, थोड़ी गर्मी आपको टेस्ट ट्यूब गर्म लगेगा। द इवॉल्वर हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सर, जो इवॉल्वर जो हीट है वो क्या करती है, टेम्परेचर रेज करती है जो हमने मिक्सर बनाया था। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ साल्ट। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम करेंगे, एक नई चीज़ सामने आती है उसे हम साल्ट कहते हैं, यानी नमक। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। साल्ट जो है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल भी नेचर में हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, फिर न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे कह सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो रिएक्शन रिएक्शन भी आपस में किसके और एसिड और बेस के बीच में होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, साल्ट और पानी इससे प्रोड्यूस होता है इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। जैसे एसिड प्लस बेस हमने मिला दिया, इसमें क्या मिला, साल्ट प्लस वाटर, हीट इज इन्वॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम ये फॉलोइंग एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। इंशाल्लाह कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे।